हेलो, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी मेरे फ्रेंड? मैंने एक वीडियो बनाई थी रोलैंड XP60 में पैच को कैसे स्प्लिट करते हैं। वो मेरी वीडियो पर एक कमेंट आया मेरे फ्रेंड का, उन्होंने बोला भैया रोलैंड XP60 में परफॉर्म में स्प्लिट लेफ्ट हैंड के लिए कैसे करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड कोई प्लेयर है तो राइट हैंड के लिए कैसे स्प्लिट करेंगे। तो देखिए मैंने एक हारमोनियम स्प्लिट किया हुआ, राइट हैंड स्प्लिट क्या हुआ है लेफ्ट हैंड लीड के लिए। तो देखिए कैसा बज रहा है, ये देखिए राइट हैंड पे मैंने सारे कोड लगाए हुए, सारे कोड, ये टोटल राइट हैंड पे कोड चल रहा है। और रोलैंड XP60 है मेरा कीबोर्ड, आप देख सकते हैं। और देखिए लेफ्ट हैंड पे लीड, मेरे लेफ्ट हैंड की प्लेइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेफ्ट हैंड की प्लेइंग देख इतना बढ़िया लेफ्ट हैंड पे हारमोनियम मारा है। लेफ्ट हैंड का लीड हारमोनियम बज रहा है और राइट हैंड पे कोड बज रहे हैं। तो ये मैंने कैसे किया, किस तरीके से किया, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए पूरी देखें। तो मेरे पास पहले से ही ये, मैं राइट हैंड से प्ले करता हूँ, तो मेरे पास पहले से एक बैकअप था हारमोनियम का, सेम यही बैकअप जिसमें लेफ्ट हैंड पे बेस कोड थे, वो सारे बेस कोड मैंने राइट हैंड पे यहाँ पर लगा दिए बिल्कुल एज इट। तो मैंने कैसे किया है कैसे नहीं किया वो मैं दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए मेरा वो राइट हैंड का हारमोनियम जिसमें मेरे लेफ्ट हैंड पे बेस कोड है, सेम एज इट, यही मैंने हारमोनियम स्प्लिट राइट हैंड के लिए क्या हुआ है लेफ्ट हैंड लीड लगा के, यानी लेफ्ट हैंड जो प्लेयर है उनके लिए वो मैंने स्प्लिट करके आपको पहले सुनाया है। और ये मेरा राइट हैंड वाला लीड का हारमोनियम है जिसको मैंने स्प्लिट किया था। तो आइए फिर से इसी को मैं स्प्लिट करके दिखाता हूँ राइट हैंड के लिए कि कैसे मैंने इसको स्प्लिट किया था। ये मेरे राइट हैंड का हारमोनियम है, ठीक है। आइए चलो उसको स्प्लिट करते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चुप रहो। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस राइट हैंड लीड के हारमोनियम को लेफ्ट हैंड लीड में कैसे करेंगे और इसके बेस कोड को राइट हैंड पर कैसे लेकर आएंगे। अभी इसके लेफ्ट हैंड पर है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन, ये हमारा लेयर आया, इसको करेंगे सिंगल। जब तक परफॉर्म की टोन कई सारे टोनों को मिक्स करके बनती है, तो जब तक हम उसको सिंगल नहीं करेंगे, लेयर अगर ये रहेगा तो यानी कि सारी टोन जो मिक्स करके एक हमने बैकअप बनाया वो सारी टोन बजेंगे आपको, फिर हम उसके स्प्लिट करने में दिक्कत आती है। इसलिए सिंगल करेंगे तो पर्टिकुलर सिंगल एक टोन ही हमें सुनाई देगी, उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, उसकी रेंज भी सेट कर सकते हैं। आइए सिंगल करेंगे। सबसे पहले सिंगल करने के लिए इंक्रीज का बटन दबाएंगे, ये हमारा सिंगल हो गया। अब हम चलते हैं की रेंज के, बटन दबाया हमने तो ये देखें हमारा, आपको दिखाई दे रहा हो की रेंज से जो हमारा लेफ्ट हैंड पे जो टोन दिखाई दे रही है, यानी कि ये पूरा नहीं गया हुआ है, यानी कि ये हमारे बेस कोड की टोन है, ये हमारे बेस कोड की टोन है, ये भी हमारे बेस कोड की टोन है। जो राइट हैंड पे पूरी आ रखी है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी राइट हैंड की लीड टोन है, ठीक है। इन टोनों को अब हम इस इधर लेफ्ट हैंड पे लेकर आएंगे और ये बेस कोड की राइट हैंड पे लेकर आएंगे। तो कैसे लेकर आएंगे, अभी हमारा ये लेफ्ट हैंड पे बज रहा है, ये कोड बज रहा है हमारा C4 का, आप ये देखिए कितना अच्छा बेस कोड आ रहा है। अगर मैं यहीं से इसकी की रेंज यहाँ ले जाके अगर इसको स्प्लिट कर देता हूँ, की रेंज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा बहुत सारा, उससे बात नहीं बनेगी। तो हमने सबसे पहले अपने टोन पर, बेस टोन पर है एज इट सेम बैक, वही हमने बेस टोन लेना, बेस को राइट हैंड पे लेकर आना है। तो उसके लिए की रेंज दबाने के बाद की रेंज पे अपने बेस टोन पर आए, पार्ट दबाया, इसको प्लेट पर लेकर आएंगे, प्लेट दबाया और इसको हम जाएंगे ऑक्टेव, ठीक है। ऑक्टेव को जितना माइनस करेंगे तो माइनस लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, प्लस करेंगे तो राइट हैंड की तरफ जाएगा। तो हमें से राइट हैंड की तरफ लेकर जाना है बेस टोन को। तो देखिए मैंने एक दबाया ये शार्प हो गया, दो दबाया ये खाली हो गया, ठीक है। लेकिन
अब इसे हमें करना है माइनस का, ठीक है। ये देखिए बेस हो गया, और बेस हो गया, और बेस हुआ, ठीक है। यानी माइनस थ्री हमने कर दिया इसको, वापस हम की रेंज पे आएंगे। अब इसकी हम की रेंज सेट करेंगे, तो सी वन है, इसको हम करेंगे एफ थ्री तक, सॉरी F2 तक करेंगे इसको। वो आपकी मर्जी है कि आप उसे कहां तक उसको लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है। F2 मैंने उसको किया है, तो मेरा कोड अगर मैं जब मैं देखूंगा उसको तो लेफ्ट हैंड पे मैं आपको दिखा दूंगा वो मेरा कोड कहां तक आएगा। मैंने सारे कोड अपने F2 के बना रहा हूं, F2, और अब उसको मैं कर्सर से राइट जाएंगे, ठीक है, C4 तक लेकर आएंगे इसको, यानी F2 से C4 तक दो ऑक्टेव का मैंने बेस कोड अपना सेट कर लिया। तो आप समझ में आ गए। अब इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी बेस टोन को लेकर लेकर उसका करूंगा, तो फर्स्ट करूंगा इसका ऑक्टेव शिफ्ट, यानी ऑक्टेव शिफ्ट करने के लिए मैंने पार्ट का बटन दबाया। अब इसको ऑक्टेव को सेम माइनस थ्री करूंगा, ठीक है, वापस की रेंज पे जाऊंगा, और जैसे मैंने फर्स्ट टोन को F2 किया था अपने बेस टोन को, सेकंड टोन बेस टोन को भी F2 करूंगा। ये मैंने F2 कर लिया इसको, और अपर को ये देखिए, ये दो सेक्शन होते हैं इसमें, फर्स्ट वाला सेक्शन लोअर होता है, सेकंड वाला सेक्शन अपर होता है, यानी लोअर रेंज अपर रेंज। तो हमने लोअर रेंज F2 कर दी और अपर रेंज C4 करेंगे। ये मैंने C4 कर दी। अब इसी तरीके से अपनी चौथी टोन पर आया जो मेरी बेस टोन बनी हुई है, उसको भी सेम चीज करूंगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने F2 C4 कर दिया। मैंने F2 C4 इसलिए किया क्योंकि मैंने वहां पे तीन ऑक्टेव शिफ्ट कर दिए। शिफ्ट इसलिए किए, अगर मैं उसको F2 करने के बाद सीधा जी नाइन तक लेकर जाता है, वहां से उसकी की रेंज अगर सेट कर देता तो वो बेस कोड शार्प हो जाता है, एज इट जैसे पहले प्ले हो रहा था वैसे प्ले नहीं होता। इसलिए मैंने उसी चीज को ऑक्टेव शिफ्ट करके की रेंज उसकी सेट कर दी। अब वो बिल्कुल एज इट प्ले होगा, जैसे राइट हैंड पे प्ले हो रहा था वैसे ही लेफ्ट हैंड के लिए भी प्ले होगा, ठीक है। तो अब मैं अपने पांचवी टोन को भी उसकी की रेंज सेट करता हूँ, सॉरी पहले उसको ऑक्टेव शिफ्ट करता हूँ माइनस थ्री, वापस की रेंज, और इसका अब की रेंज सेट करते हैं। लोअर को F2 किया मैंने, वीडियो थोड़ी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि ज्यादा लंबी नहीं बने, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी। समझ में आए तो आप जरूर इसको आगे बढ़ें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। ये मैंने इसकी भी रेंज सेट कर दी है मैंने, ठीक है। अब हम करेंगे अपनी लीड टोनों को। ये मेरी बेस टोन थी, ठीक है, ये भी बेस टोन, ये भी बेस टोन, ठीक है। तीन टोनों को मिला के मेरा बेस कोड बना हुआ था, ये मैंने कर दिया है। अब मैं अपनी लीड टोन जो है मेरी उनको करता हूँ शिफ्ट। उनको भी शिफ्ट करने के लिए बिल्कुल सीधा सा इनका ऑक्टेव जो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इनका भी ऑक्टेव हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पार्ट पर जाएंगे, इसका ऑक्टेव हमें माइनस करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमारे टू में मैंने प्लस किया, प्लस करेंगे तो हम लेफ्ट की तरफ चले गए इसको उठा के,
अब जाएंगे की रेंज पे वापस, अब उसकी की रेंज सेट करेंगे। हमारे नीचे E3 तक आया हुआ, वो E3 ही रहने देंगे हम उसको। G9 जो जा रहा है उसका, हमारा अपर, उसको हम कम करेंगे। अब उसको हम कहाँ तक लेकर आएंगे, जो हमने F2 लोअर लिखा हुआ है, B6 तक, हम उसे B6 तक लेकर आए, ठीक है। और देखिए ये C4 और B6 दो ऑक्टेव का हमेशा कीबोर्ड शिफ्ट हो सकता है, इसलिए दो ऑक्टेव का डिफरेंस यहां पर रखा हुआ है। चलिए अब मैं अपनी दूसरी लीड टोन को भी, पहले उसका ऑक्टेव चेंज करता हूं, +2 वापस की रेंज, और सेम वही पैरामीटर जो सेक पहले वाली लीड टोन का मैंने रखा था, वही यहां पर भी रखूंगा मैं B6, ठीक है। ये मेरी टोन खाली है, इसको मैं बंद कर दूंगा। पार्ट पर जाएंगे, इसका वॉल्यूम 0 कर देंगे, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपने अपने परफॉर्म को बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ स्प्लिट करना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी लास्ट 8वीं टोन, यानी वो तीसरी थर्ड टोन जो मेरी लीड, उसको भी करता हूँ सेम चीज। फर्स्ट इसका ऑक्टेव, ठीक है, ये मैंने वो सॉरी ये मैंने +2 कर दिया, वापस की रेंज, और की रेंज सेट कर लेते हैं इसका। B6 पर आएंगे, सेम चीज, ये लीजिए, ये भी B6 पर आ चुका हूँ मैं। बाकी पीछे भी कुछ देखिए, मेरे 8 टोन अपनी सीट सेट की हुई है, लेकिन 16 टोनों को मिला के भी हम बैकअप बना सकते हैं, बहुत अच्छा। ये मैंने 8 टोनों को मिला के बनाया हुआ, तो चलिए अपने बाकी की टोनों को चेक कर लेते हैं, कहीं वो ऑन तो नहीं है। ऑन अगर होंगी तो पैरामीटर जो हमने यहाँ पे शिफ्ट किए हैं, अपनी स्पीड जो किया है टोन को, उनमें फर्क पड़ जाएगा, तो एक बार चलिए उनको देख लेते हैं। तो 9 to 16 आ गए हम, उनको एक बार चेक कर लेते हैं कि वो क्या कह रहे थे। ये हमारा पियानो लगा हुआ था यहाँ पे, उसे भी हम की रेंज से शिफ्ट करेंगे। पहले इसका ऑक्टेव चेंज करेंगे, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है। ऑक्टेव -3 करेंगे, क्योंकि ये बेस टोन थी, इसीलिए हम इसको वहां उठाकर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इसको करेंगे F2, ठीक, F2 अपर रेंज C4, ओके। अब सेकंड को देख लेते हैं, सेकंड पर क्या लगा हुआ था। ये खाली टोन है, ब्लैंक है, बेकार है, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसका वॉल्यूम हम बंद कर देंगे, 0 कर देंगे। आगे देखते हैं, चेक करते हैं ये क्या है। ये हारमोनियम लगा हुआ है, यानी ये टोन हमने वहां पे मिक्स में हमने की हुई थी, तो इसको भी हम, इसका भी ऑक्टेव, सबसे पहले इसका ऑक्टेव शिफ्ट करेंगे, इसको +2 करेंगे की रेंज, और इसको हमने E3 कर, E3 करा हुआ था, ये हमने कर दिया, और इसको B9 किया हुआ था, B6 अपर रेंज, तो इसको भी B6 कर लेंगे। ये मैंने B6 कर लिया, चलिए और चेक कर लेते हैं पार्ट पर जाके।
ये बेकार है, ये काम की नहीं है, इसको मैं जीरो कर देता हूँ साउंड इसका। आगे चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। जो भी टोन है उनको अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ऑफ, इसको भी, ये हमने हारमोनियम में मिक्स किया होता तो इसको भी, क्या नाम है इसका, हम ऑक्टिव शिफ्ट करते पहले, वाइब्रोफोन हल्का सा कोड के साथ चल रहा था उसके अंदर, तो आइए इसका भी कर लेते हैं, लास्ट हमारी टोन है ये। ई फ्लैट, बी नाइन, बी सिक्स, सॉरी, लीजिए। ये मैंने पूरा अपने 16 टोनों को, जो राइट की टोन थी लीड की वो मैंने लेफ्ट पे कर ली, और जो लेफ्ट हैंड का जो बेस कोड की टोन थी वो मैंने राइट पे कर ली। अब ये लेफ्ट हैंड लीडिंग बैकअप बन चुका है हारमोनियम मेरा। तो अब इसको प्ले करके देखते हैं। प्ले करने के लिए वापस सिंगल जो था हमारा उसको लेयर कर लेंगे इन डिस्क्रेंज के बटन से, और इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको, मेरे समझ में आ गया होगा मैंने किस तरीके से राइट हैंड लीडिंग पैथ परफॉर्म को, एक टोन को लेफ्ट हैंड लीडिंग टोन कैसे बनाया, लेफ्ट हैंड के जो मेरे कोड थे उनको राइट हैंड पर कैसे शिफ्ट किया मैंने, और वो कैसे बज रहे हैं, क्या पैरामीटर्स मैंने यूज किए हैं, उनको कैसे मैंने शिफ्ट किया है, वो आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एज इट काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये देखिए। सेम जो राइट हैंड पे कोड बज रहे थे वो सारे अब लेफ्ट हैंड पे बज रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए मेरा ये यहाँ पर लीडिंग आ चुकी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन जो पैरामीटर्स हैं उनको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि वीडियो साफ सुथरी बनाई जाए और अच्छे से समझाया जाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, जय श्री श्याम।